हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ 600 का ऑर्डर है वड़ा पाव का, और मैं सुबह सुबह से काम करने में लगी हूँ और टाइम भी नहीं मिला हमको ब्लॉग बनाने के लिए। काम करते करते शाम हो गया है और वड़ा पाव का ऑर्डर है इतना ढेर सारा, और हमको रात को देना है 1 बजे। तो काम करते करते मैं थक गई, तो अपने भोले जी से बोली कि भोले जी जाइए, किसी को बुला के लाइए काम करने के लिए, पैसा दे दीजिएगा। तो भोले जी बुला के लाए इन इन आंटी को, तो काम कर रही हैं हमारे भोले जी, वड़ा का मसाला तैयार कर रहे हैं फटाफट। हम लोगों ने लड्डू बनाएंगे इसका, इसके लिए फटाफट हमारे भोले जी पूरा मेहनत लगा के जो लगा के मसाला बना रहे हैं। और इनके हाथ में जलन नहीं होता है, मेरे हाथ में तो जलन होने लगता है। बोलते हैं कि मेरे में बहुत पावर है और इसके लिए उनके हाथ में जलन नहीं होता है। हम लोगों ने लड्डू बना के वड़ा रख लिए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं टेम्पा में लोड करने के लिए। हमारे भोले जी अब पाव और सारा सामान ले जा कर टेम्पा में लोड करेंगे। अब मैं उनको बता रही हूँ कि ये सामान ले लीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमारा ऑर्डर था वड़ा पाव का, और हम अपना सेटअप लगा चुके हैं, ज़मीन पे चूल्हा कढ़ाई सब रख चुके हैं, और हमारे भोले जी का भी सेटअप हो चुका है। आप लोग को दिखाती हूँ, उनका भोले जी के लिए टेबल लगा हुआ है, और भोले जी यहाँ से काट के पास करके फटाफट सबको खिलाते जाएंगे, और नीचे बैठ के मैं बड़ा तलूँगी। चालू हो गया, रात के 2 बज रहा है, गरबा चालू है। वड़ा पाव बना के खिलाते खिलाते बज गया है सुबह का 5। अब हम लोग घर चले जाएंगे खिला के। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।